मोमोज जिसे हर वर्ग के युवा बड़े चाव से खाते हैं, ये खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होता है बल्कि मोमोज अनगिनत युवाओं के लिए अच्छी आमदनी का जरिया भी बन चुका है। मोमोज गरीब युवाओं के लिए तो जैसे वरदान बनकर साबित हुआ है क्योंकि इसका व्यवसाय बेहद कम पैसों में 2 स्क्वायर फीट जगह में भी किया जा सकता है। यही कारण है कि मोमोज की छोटी छोटी दुकानें जो शहर में इक्का दुक्का हुआ करती थी आज हर 20 मीटर की दूरी पर नजर आ रही हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सस्ती भी हैं, इसलिए युवा इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इस व्यवसाय से जुड़े युवाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बड़ा व्यापार करना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने मोमोज बेचने की ठानी क्योंकि ये बेहद कम जगह पर चलता है, इसके लिए दुकान किराए पर लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे इसे पार्ट टाइम भी कर लेते हैं। यही कारण है कि वे इस व्यवसाय से जुड़े हैं और बड़े चाव से लोग इसे खाते हैं। आपको बता दें कि ये तिब्बत और नेपाल का एक लोकप्रिय स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बड़े चाव से भोजन या नाश्ते में खाया जाता है। इसे आटे या मैदे की लोइयों के अंदर अपने मनपसंद खाद्य सामग्री भरकर भाप में तैयार किया जाता है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में काफी लोकप्रिय है। दिल्ली एवं भारत के अन्य स्थानों पर भी मोमो आसानी से उपलब्ध पाया जाता है। ये खासकर महानगरी युवाओं के लिए काफी लोकप्रिय साबित हो रही है। मेरा नाम लाल सिंह है। मैं इस काम को करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। मोमोज बनाना, सूप बनाना, मोमोज अच्छी चीज़ है, हाइजेनिक चीज़ है, कम लागत है और बिजनेस भी अच्छा है, ऐसी कोई वो नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात एक बेनिफिट भी ठीक आ जाता है, कस्टमर भी अच्छा है यहाँ का। हमारे को तो 7-8 साल हो गया, 8 साल से कर रहे हैं, तो काफ़ी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1-2 लड़के मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कारोबार चल रहा तो अच्छा वो है ऐसा कुछ। मेरा नाम शीतल है और मुझे मोमो के काम करते 8-10 साल हो गए। आज इसी वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, बिजनेस कर नहीं सकते। कम पैसे इन्वेस्ट में हमने आज ये अपना मोमो का काम शुरू किया और क्या कहते, इसी मोमो की उससे और सोलन वासियों के लोगों की वजह से हमारा सब कुछ, मतलब हमारी मेहनत की वजह से और उनकी वजह से हमारा घर परिवार अच्छा चल रहा है। और ये जो दुकान है ना हमारा, जैसे मोमो हम बनाते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाता है। कुछ टाइम से आप लोगों को तो पता ही होगा मोमो का बहुत क्रेज़ है, बच्चे हो बूढ़े हो चाहे जो भी हो सारे मोमो। और अब तो कुछ टाइम से 1-2 साल से फ्राइड मोमो में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पसंद करने लग गए। काफ़ी टाइम से हमारे सोलन में मोमोज का काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है एक फ़ास्ट फूड के लिए और हम लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं मोमोज। और यहाँ पे हम लोग यूजुअली हर इवनिंग में हम लोग मोमोज खाने आते हैं और हम लोग फ्राइड और स्टीम्ड मोमोज काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर हार्दिक चाइनीज़ रसोई में हम लोग हर रोज़ मोमोज खाने आते हैं एंड वी रियली लाइक इट।